Hello YouTube, welcome back to the channel guys. So in this video we are going to talk about our modification I have done on my FZ V3. So बहुत कम modifications हैं, ज़्यादा modifications नहीं किए मैंने. visor का modification है और number plate holder का है, tire का थोड़ा सा है और जो tank pad आता है वो है. और थोड़े से मैं इसमें एक और modification मैं इस video में करने वाला हूँ तो उसकी भी हम अपन बात करेंगे. तो चलिए मैं सबसे पहले इस गाड़ी को बाहर निकाल लेता हूँ और फिर हम बात करते हैं कि मैंने क्या कैसे कहाँ से लिया है मॉडिफिकेशन के पार्ट्स और आप कैसे अपनी गाड़ी में लगा सकते हो अगर आप लगवाना चाहते हो तो. A few moments later. So the first modification I have done is of our number plate holder. तो यह number plate holder नहीं, जो आप ये देख रहे हो जो black color का border है, तो ये मैंने मंगाया था Amazon से. ये मुझे total 164 का पड़ा था, आगे पीछे दोनों का. तो ये एक मॉडिफिकेशन था जो मैंने सबसे पहला किया था इसमें. मैं पीछे से भी लुक दिखा देता हूँ उसका कि कैसा लग रहा है पीछे से. तो पीछे से ये कुछ ऐसा दिखता है. तो मैंने ये सबसे पहले देखा था कि केरला के जो बाइकर्स थे वो लगवाते थे. फिर जब मैंने सब गाड़ियों में गौर करना शुरू किया तो ऐसा लगा कि मेजर लोग लगवाते हैं, क्योंकि फ़ायदा है आपका इसमें जो हमारी आल्टो की नंबर प्लेट होती है वो बचती है अच्छे से और समय के साथ क्योंकि ठीक लगे इसलिए लगाना ये अच्छी चीज़ है. तो आप भी, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसे ज़रूर लगवाओ. और जो दूसरा मॉडिफिकेशन मैंने किया था वो ये टैंक पैड का किया था. ये मुझे कुछ 30 रुपये का पड़ा था और ये तो मेरी किस्मत थी कि ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर है वो एकदम जो कंपनी से कलर मिलता है हमें उससे मैच कर रहा था. तो बहुत अच्छा लुक देता है ये टैंक से. आप दूर से देखोगे तो आपको बहुत प्यारी लगेगी गाड़ी सिर्फ एक ही टैंक पैड के कारण. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था. और जो ये नंबर प्लेट होल्डर है ये मैंने भी, तीसरा मॉडिफिकेशन है हमारा, ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी. तो क्योंकि अगर आप ये वाइजर लगाओगे तो आपके पास जो कंपनी से एक ब्रैकेट मिलता है वो आप यूज़ नहीं कर सकते नंबर प्लेट के लिए. तो मैंने इसका यूज़ किया था तो ये मेरे को 384 का पड़ा था ऑनलाइन. तो बहुत ही डिसेंट प्राइस है अगर आपको एक अच्छा लुक भी चाहिए गाड़ी का. और लुक मेरे हिसाब से बहुत प्यारा दे रहा है गाड़ी को ये, तो इसलिए भी मैंने इसको ऑर्डर किया था. और जो चौथा मॉडिफिकेशन है वो हमारा ये विंगलेट का था. विंगलेट मुझे ये भी 130 का पड़ा था विंगलेट. थोड़ा सा क्वालिटी की, क्वालिटी वाइज देखा जाए तो ये पतला है और भी इसके कुछ आते हैं 300-350 के तक के, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो. तो वो थोड़े से क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते तो आप उनके साथ जा सकते हो. तो ये थे मॉडिफिकेशन. और जो एक मेरे को फ्री में मॉडिफिकेशन पड़ा है वो है हमारे टायर का. तो सीन क्या हुआ था कि जब मैंने ये गाड़ी ली थी विद इन 6 मंथ मेरे को एक प्रॉब्लम आई थी कि गाड़ी में हवा डलवाओ और हर 2 दिन में हवा निकल जाती थी. तो मैंने कंपनी वालों को दिखाया और उन्होंने बताया कि रिम और टायर के बीच में पता नहीं कैसे गैप है और उससे कारण हवा निकल जाती है. तो जो कंपनी का टायर हमको जब गाड़ी खरीदते तब जो मिलता है उसमें पहले मैंने कंप्लेन किया तो कंपनी ने 1 महीने का वक्त लिया और फिर मुझे कॉन्टेक्ट किया और बोला कि आप अपना टायर चेंज करवा लीजिए गाड़ी का. तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ये टायर पड़ा था. जो पहले था वो भी सीएट का ही था और ये भी सीएट का है, पर जो इसकी ग्रिप है वो उससे बहुत अलग है. जो अगर मेरे पास कोई फ़ोटो होगी जब स्टॉक टायर्स की तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, आपकी स्क्रीन में आ रही होगी. तो ये एक मॉडिफिकेशन था जो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा था और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लुक देता है गाड़ी को. पुराना वाला अच्छा था पर उसमें ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा रहता था. और जो इस वीडियो में हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं वो है हमारा इसका, जो लोग आपने देखा होगा कि कंपनी से भी बहुत गाड़ियों में यहाँ गोल्डन कलर के रैप आते हैं कंपनी में लगे हुए, वो तो पेंट होते हैं पर अगर आप आफ्टर मार्केट कराओगे तो आपको रैप करवाना पड़ेगा. तो मैंने भी सोचा था पहले से इसमें गोल्डन रैप करवाऊंगा, बट फिर मुझे लगा कि गाड़ी अगर ब्लैक है तो पूरी ब्लैक रखेंगे तो अपन ज़्यादा अच्छी लगेगी. गोल्डन मैंने देखा बहुत लोग करवाते हैं, गोल्डन भी अच्छा था. तो इसी वीडियो में बने रहिए, मैं आगे चलता हूँ शॉप में और आपको दिखाता हूँ कि रैप लगने के बाद गाड़ी का ओवरऑल लुक कैसा आता है. तो अब मैं आ गया हूँ शॉप पे और मेरी बात हुई थी कि मेरे दोस्तों ने बोला कि ये गोल्डन ही कराओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ब्लैक नहीं करा रहे अपन और अब गोल्डन ही कराएंगे. तो चलिए मैं इसमें जल्दी से रैप करवाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि गोल्डन रैप कराने के बाद कैसा लग रहा है. और इसके बाद मैंने सोचा कि एक और रैप करवाऊँगा जो कि होगा हमारे साइलेंसर का जो कवर होता है उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्क्रैचेस आ गए थे. तो चलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को. You used to stop this world
from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing. तो यहाँ पे हमारा जो एक साइड का है वो रैप कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो कि गाड़ी का लुक वैसे भी चेंज होने लगा है थोड़ा बहुत, और अभी इनकी लड़ाई चल रही है। भाई उतरा है कार से, अब देखो क्या करता है। कुछ ज़्यादा लफड़ा हुआ नहीं इधर, बस वो अब रोकेगा, अपने पार्ट्स उठाएगा जो उसके कार का गिरा है, और शांति से दोनों चले जाएंगे। अपन आते हैं अपने वापस रैप की साइड, तो थोड़ा सा ये क्लियर कर रहे हैं उधर से जो भी एक्स्ट्रा रैप बचा हुआ है, और उसके बाद अपन लेफ्ट साइड का भी रैप कर देंगे। You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. तो यहाँ पे हमारा दूसरा रैप भी लेफ्ट साइड का भी कंप्लीट हो गया है, और अब अपन दूसरे जो हमारा साइलेंसर में कवर है उसका जो रैप करेंगे हम, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और फिर मैं एक जगह आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको पूरी गाड़ी का ओवरऑल लुक दिखाता हूँ कि दोनों चीज़ें करने के बाद कैसा लुक आ रहा है। To stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold. अब लगने के बाद हमारी गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो मेजर पार्ट है अब हमारी गाड़ी का कवर हो चुका है ब्लैक में, और बात हुई थी हमारी, उसको मैंने सोचा था कि गोल्डन नहीं कराऊंगा, ब्लैक करवाऊंगा, पर मैंने गोल्डन ही करवा लिया क्योंकि कुछ दोस्तों से बात हुई मेरी और उन्होंने बोला कि भाई गोल्डन ही करवाओ। और आप ये देख लो, इस वीडियो में हम इसमें ही बात करने वाले थे कि ये मेरे को कितने का पड़ा है, और ये इसका जो लुक आ रहा है आप देख ही सकते हो, लुक जो बहुत ही अच्छा आ रहा है, मतलब मैट गाड़ी है और मैट जो हमने ये कवर करवाया है, तो ये मेरे को लगा कि बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए, और मैंने ठीक ही किया ये करवा के। और अब इसकी प्राइस बता देता हूँ मैं कि कितने में बना है ये पूरा, कितना लगा है मेरा। तो 120 रुपये मैंने इसका दिया है, वो 150 बोल रहा था, पर हो गया 120 रुपये दिया मैंने, उसमें भी वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया, पर वो चलता है। जितने का मतलब सही रेट था उतना ही मैंने दिया है, 120 इनफ था इसके लिए। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जो मैंने गोल्डन कराया उसकी भी जो प्राइस थी वो भी 120 ही पड़ी थी मुझे, वो भी उसमें उसने बहुत आनाकानी की थी, उसका भी वो 150 ही बोल रहा था, उसका भी मैंने 120 ही दिया था। तो यही है गाड़ी का ओवरऑल लुक, देख लो आप गोल्डन लगवाने के बाद और साइलेंसर में मैट करने के बाद कैसा लग रहा है। अब जो अपना नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आएगा, मतलब कभी भी अगला, वो हम इसको भी मैट ब्लैक में कर देंगे, और वो जो हमारा कवर है जिसमें टेल लाइट अटैच है उसको भी हम मैट करने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे जो भी अपन सोचेंगे करने का उसमें करेंगे, हो सकता हो मैं आगे वाले जो शॉकअप हैं
उन्हें भी गोल्डन करने का करूँ, पर मैंने वीडियो में पहले ही बताया है कि वो उसमें हम लोगों ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें करने में थोड़ा सा और वो दिखता भी दूर से कि हाँ ये चिपकाया गया है और उस तरह मज़ा भी नहीं आता। ऊपर वाले में ठीक है, आसानी से लग जाता है, ऊपर वाले में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। तो यही था वीडियो में, चलिए वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। You used to stop this world from spinning.